खबर शिवपुरी जिला अस्पताल से आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में भर्ती मरीज 4 दिन तक बाथरूम में मृत पड़ा रहा और हॉस्पिटल कर्मचारी बेसुध रहे। मिली जानकारी के अनुसार शिवपुरी जिला अस्पताल में कुछ दिन पहले एक मरीज को भर्ती किया गया। परिजनों का आरोप है कि मरीज 4 दिन पहले जिला अस्पताल के बाथरूम में गया और वहीं पड़ा रहा। इसकी जानकारी परिजनों को CCTV कैमरे के जरिए मिली। परिजनों का कहना है कि हमारा व्यक्ति लापता था और हमने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। इसकी शिकायत संबंधित पुलिस थाने में भी की, उन्होंने भी कोई जानकारी नहीं दी। अब सोचने वाली बात है कि मंत्री जी की फटकार के बाद जिला अस्पताल के बेड तो ठीक हुए, परंतु स्टाफ और अस्पताल के जिला प्रबंधक की कार्यशैली व रवैया में कोई सुधार नहीं हुआ। इसी कारण शिवपुरी जिला अस्पताल में बार बार इस तरह की लापरवाही भरी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। अब आइए, वो देवीलाल साहब लापता होने की सूचना दी थी, लेकिन 9 तारीख को क्या हो गया था? पेट में दर्द है उसमें, उसको भर्ती कराया था हमने, तो भर्ती करा के ना ये वो जाइता फिर ऐसे होने गया तो कम से कम 8-10 घंटे तक जी गेट ही नहीं खोला, कोई ने गौर ही नहीं की। आज 4 दिन हो गए सर। कैसे पता चला कि आपकी डेथ हो गई? हमको कैमरा सिटी में दिखवाया था, सवेरे से बैठा हूँ तो कैमरा सिटी में दिखवाया तो कैमरे से मालूम पड़ा कि लेटरिन करने गया है। 8 घंटे तक जी गेट ही नहीं खुला सामने वाला। उसमें कंप्लेंट नहीं की आपने पुलिस को? पुलिस को कंप्लेंट की तो पुलिस ने छानबीन ही नहीं की कुछ। नहीं, अभी पुलिस नहीं आई, अभी तक ही पुलिस नहीं आई। आपको क्या लग रहा है इसकी मौत किसी ने की है वैसे हुई है? अब जिस सर शासन प्रशासन की लापरवाही से ही हुई है। 3 दिन हो गए यार, 3 दिन से मतलब ये 14 दिन आया नहीं खुला अभी तक, 3 दिन गेट ही नहीं खुला सर, आज खुला है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।